हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बज चुके हैं सुबह के 10:30 और शुरुआत करते हैं अपने आज के व्लॉग की। और ये बिजली को देखो, इसकी सुबह होती ही म्याऊं म्याऊं करके ब्रेकफास्ट करा दिया इसको, उसके बावजूद भी म्याऊं म्याऊं कर रहा है। क्या हो गया बिजलू? ये देखो, ऐसे लोटपोट होना है इसको। म्याऊं 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 म्याऊं, इसको खुजली करानी है इस तरीके से, तब जा करके ये ऐसा हो रखा है। अब हो गया ना इसका म्याऊं म्याऊं बंद। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हम लोगों का हो चुका है और कपड़े वगैरह धो करके भी यहीं पर ही सूखने के लिए रख दिया है, बिकॉज आजकल धूप काफ़ी तेज रहती है तो छत में सुखाने रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं पर ही कपड़े अच्छे खासे सूख जाते हैं। और अभी तो घर के अंदर का पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। मम्मी भी आज पहुँचने वाली है, 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो मम्मी के आने से पहले पूरा घर चमका करके रखना है। इसीलिए आज तो बहुत बढ़िया तरीके से पूरे कमरे की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी को आते ही बिल्कुल साफ़ सफाई चाहिए होता है और मम्मी सबसे पहले यही चेक करती है कि कितना साफ़ सफाई करके रखा हुआ है हमने घर को। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे, पूरे कमरा वगैरह अच्छे से साफ कर देते हैं। और बिजलू यहाँ पर सो गया है धूप में। सो फ्रेंड्स, मौसी भी बाहर पर बैठे हुए थे तो मैं भी आ गई हूँ मौसी का साथ देने के लिए। और यहाँ पर मौसी कलर की बाल्टी से कलर निकाल रहे हैं। मौसी अकेले बैठे बैठे बोर हो गए हैं बाकी दिन, तो मम्मी और मौसी साथ बैठे रहते हैं और साथ काम पे लगे रहते हैं। तो अभी मौसी बोर हो गए हैं मम्मी के बिना। अभी मम्मी भी पहुँचने वाले हैं, 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे मम्मी। और मौसी ने तो ये वाली बाल्टी को बिल्कुल साफ़ कर दिया, इसमें से पूरा कलर निकाल दिया है। अभी बाल्टी के ढक्कन में जो रंग लगे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। मौसी को खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं 1:40 और मैं हूँ किचन में और अब स्टार्ट करेंगे दिन का खाना बनाने की। तो फ्रेंड्स, आज इतना लेट इसीलिए बन रहा है खाना क्योंकि आज मम्मी भी आने वाले हैं पहाड़ से, तो 3 बजे से पहले पहले मम्मी पहुँच जाएंगे, इसीलिए आज लेट खाना बना रही हूँ, ताकि जब मम्मी आ जाएंगे उसके बाद हम लोग सब साथ में ही करेंगे अपना लंच और तब तक गर्म गर्म भी रहेगा खाना। तो स्टार्ट कर देते हैं बनाना। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टमाटर प्याज लहसुन काट दिए हैं और दाल की सीटी भी लगा दी है, तो अब तड़का लगाना स्टार्ट करेंगे। बिना कड़ी पत्ते की तो कोई दाल ही नहीं बनती है मेरी। सो फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है दाल बन करके और अच्छे तरीके से दाल पक भी गई है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया। मम्मी का भी फोन आ गया है, मम्मी भी पहुंच चुके हैं रामनगर, तो पहुंच जाएंगे आधा घंटे में घर पे। सो फ्रेंड्स, क्योंकि दाल तो ऑलरेडी बन चुकी है और अब तैयारी चल रही है सब्जी बनाने की, और सब्जी में हम लोग बना रहे हैं मिक्स सब्जी है आलू और गोभी की, और यहाँ पर ऑलरेडी मसाला पीस दिया है मौसी ने। सब्जी का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आ जाता है जब सिलबट्टे में मसाला पीसा हुआ रहता है, इसीलिए मौसी ने सिलबट्टे में पीस रखा है स्पेशल मसाला। तो अभी मौसी बनाएंगे सब्जी आलू और गोभी की। दाल ऑलरेडी बन चुकी है तो बंद कर देते हैं गैस। हम लोगों का लंच बन चुका है और लूसी भी आकर के यहाँ पर सो गया है। लूसी यहाँ सो रहा है और बिजलू अंदर स्टोर रूम में सो रहा है। तो फ्रेंड्स, मम्मी भी पहुँचने वाले हैं, इसीलिए मैं भी जाऊँगी आगे रोड पर और लेकर के आते हैं मम्मी को, बिकॉज बैग वगैरह लेकर के आएंगे। मम्मी के हाथों में दर्द रहता है तो फिर मम्मी उठा नहीं पाते हैं, बैग भारी है, इसीलिए मम्मी पहुँचने वाले हैं तो मम्मी को लेकर के आते हैं आगे रोड से। सो फ्रेंड्स, ले आई मम्मी को मैं आगे रोड पर गए थे। हाँ, मेरी स्कूल की छुट्टी हो गई तभी बैग लटका करके आ रही हूँ। दो बैग, एक बैग पीछे रखा हुआ है और एक बैग ये। मौसी, मेरी स्कूल की छुट्टी हो गई ले आई मैं मम्मी को। चलते हैं अंदर। गर्म कितना हो रहा है, बाप रे। बाहर अभी तक लूसी उधर था, अब लूसी इधर से आ रहा है। इन लोगों का भी कोई एक जगह नहीं होता है, कभी कहीं नजर आते हैं, कभी कहीं नजर आते हैं।
तो फिलहाल चलते हैं अंदर, बैग तो बड़ा भारी हो रहा है भाई। सो फ्रेंड्स, मम्मी भी पहुंच गए हैं घर और अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी चाय बना दिया है मम्मी के लिए, तो मम्मी और मौसी साथ में बैठ करके चाय पी रहे हैं। अब सही हो गया मौसी के लिए, वरना मौसी बहुत बोर हो गए थे मम्मी के बिना, क्योंकि हम लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, मौसी की बात भी हम लोगों को कम समझ में आती है, इसीलिए मौसी बोर हो जाते हैं हमारे साथ में। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने को है रात के 9 और आज और ज्यादा लेट हो रहा है हम लोगों का डिनर, बिकॉज अब तक भाई अपना ऑफिस का काम कर रहे थे तो भाई के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो क्योंकि अब भाई का हो चुका है ऑफिस का भी काम कंप्लीट, तो अभी सब साथ में मिल करके कर रहे हैं अपना डिनर। और आज मम्मी भी पहुंच गए हैं घर, तो अब सही हो गया, अब फिर से घर पूरा भरा भरा सा हो गया है। बिजलू तो जस्ट अभी जा रहा है घूमने के लिए, तो क्योंकि अभी हम लोग सबके सब यहीं पर ही हैं और रेडी भी हो चुका है हम लोगों का डिनर, तो फिर अभी हम लोग भी करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।